ग्लोबल हैंडवाश डे के अवसर पर गुरुवार को मंडलायुक्त जयंत नालीकर, जिलाधिकारी के विजयन पांडियन, CDO इंद्रजीत सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने हैंड वाश बेसिंग में हैंड वाश किया तथा लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। इस मौके पर मंडलायुक्त जयंत नालीकर ने कहा कि सबसे पहले सभी लोगों को हर घंटे में हैंड वाश करने की आदत डालनी होगी। उन्होंने बताया कि शासन के निर्देशानुसार सभी अधिकारियों को एवं नागरिकों को 35 सेकंड तक अच्छे से अपने हाथ को हैंड वॉश करना होगा और इसकी सभी लोगों को आदत डालनी होगी, तभी हम कोरोना जैसी बीमारी को हरा पाएंगे। उन्होंने कहा हर व्यक्ति को 5 व्यक्तियों को हैंड वॉश की आदत सिखानी होगी। मंडलायुक्त ने लोगों से अपील किया कि हर घंटे में अपने हाथों को धोएं, जिससे कोरोना की जंग को जीता जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CDO इंद्रजीत सिंह, जिलाधिकारी के विजयन पांडियन और मंडलायुक्त जयंत नालीकर ने कहा। और ये भी मैसेज दीजिए कि हाथ धोना कितनी दूर है, देर है, कम से कम 35 से 40 सेकंड हो जाना चाहिए। देखते रहें यदि पब्लिक में धो रहे हैं तो जो नल है वो भी साफ हो, नहीं तो साबुन से हाथ धो के इसी को छू दिया घंटा मिनट में। हाँ, मेरा यही कहना है कि हमें स्वच्छता पे और हाथों की स्वच्छता पे हमेशा ही ध्यान देना चाहिए, लेकिन कोरोना काल में तो ये बहुत मास्क और जो हाथों की स्वच्छता है ये बहुत महत्वपूर्ण है कोरोना की लड़ाई में। तो सारे हमारे जो नागरिक हैं, हमारे भाई बहन, सबसे भाई बहनों से यही गुजारिश है कि इसको अपनाएं और स्वच्छ जीवन, हेल्दी जीवन को अपनाएं। हैंड वॉश डे है, इससे कोरोना से सीधी संबंध है। आप जानते हैं वैसे कोरोना का जो अंदर जाने का रास्ता, इम्पॉर्टेंट रास्ता तो हम लोग का नाक और मुँह है, उसका अंदर जाने का इम्पॉर्टेंट रास्ता है हाथ। जो हाथ यदि ढंग से हम साफ नहीं करते हैं, नहीं धोते हैं, वैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पहले भी हर साल इसको प्रचार, देखिए केवल कोविड नहीं है, उसके अलावा करीब तो 90 बीमारियां उसी से दूर होता है, डायरिया, डिसेंट्री, नॉर्मल फ्लू, इन्फ्लुएंजा, सारे चीज़ इसी का हम लोग जनता के बीच में ले जाना है। वैसे आप जानते हैं पिछले 8 महीने से हम लोग जंग लड़ रहे हैं, उसके बहुत इम्पॉर्टेंट अहम रोल ये सफाई का, खासतौर पर हाथ सफाई में होता है। इसलिए आज तो हैंडवाश डे के रूप से मना रहे हैं पूरे प्रदेश में, सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे के बीच में सारे सरकारी महकमा में होगा, सारे स्कूल, इंस्टीट्यूशन और NGO कहाँ कहाँ जो संगठित जो लोग हैं जोड़ सकते हैं, उन्हीं लोगों के साथ जोड़ते हुए एक अभियान के तौर से हम चला रहे हैं। इसी से जो आने वाले जो जाड़े के पहले एक अभियान चलेगा, तो उम्मीद है उसी से कोरोना का प्रकोष्ठ कम होगा। देखिए आज हैंड वॉशिंग डे, ये बहुत एक एटीट्यूडनल चेंज का डे है। जैसा कि आप जानते हैं कि आदत को बदलना एक बहुत दुरू कार्य होता है, और ये आदत बदलना मुझे लगता है हर व्यक्ति का खुद से शुरू होना चाहिए। इससे पहले कि मैं किसी और को बोलूं कि हाथ धोना चाहिए और कोविड के समय में
हर एक घंटे में, मिनिमम घंटे में एक बार हाथ धोना चाहिए। उससे पहले ये आदत मुझे अपनी डालनी चाहिए, और जब मैं खुद आदत बदल पाऊँगा तभी दूसरे को सिखा पाऊँगा। और उसको याद कराने में, ये आदत में एक परिवर्तन लाने में आज के इस दिवस का बहुत महत्व है। सरकार के निर्देश हैं कि आज 10 से 12 बजे के बीच में सभी अधिकारी एक ये मैसेज दें स्वयं इसको प्रदर्शित करते हुए। लेकिन आज के दिन में सिर्फ ये मैसेज ही नहीं देना है, आज के दिन से हमें इंश्योर करना है कि हमारे आसपास जितने लोग हैं कम से कम एक व्यक्ति 5 व्यक्तियों को ये आदत सिखाए। और मुझे लगता है यदि एक व्यक्ति 5 व्यक्तियों को सिखाएगा तो वो दिन दूर नहीं है जब हमें ऐसे दिवसों का आयोजन करने की आवश्यकता नहीं है। एटीट्यूडल चेंज इतना ज़्यादा हो जाएगा कि सारे संक्रमणों पर हम रोक लगा सकें। और ये जो हैंड वॉशिंग डे है पूर्वांचल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि पूर्वांचल की धरती में इंसेफ्लाइटिस की वजह से, इसका जो संक्रमण था उसके प्रकोप की वजह से कई मासूमों की जानें गई हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से और एक अंतर विभागीय समन्वय से आज हम उस कंडीशन पर पहुँचे हैं जहाँ पर हमारी मृत्यु जो है 2 डिजिट्स में है, 30 के आसपास है, 30 के अंदर है। और ये संभव इसलिए हो पाया है क्योंकि ये जो मैं आदतों में परिवर्तन की बात कह रहा हूँ, हमने क्लिनिकल सॉल्यूशन के साथ साथ प्रिवेंटिव केयर पर ध्यान दिया है। प्रिवेंटिव मतलब साबुन से हाथ धोना, गंदा पानी जमा नहीं होने देना, ये सारी चीज़ें जो हैं प्रिवेंटिव केयर की हैं और इसमें हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। आशा करते हैं मीडिया के माध्यम से, क्योंकि आप एक बहुत सशक्त माध्यम हैं, आपके माध्यम से जनमानस को, ये जो कमिश्नरी की करीब 1,60,00,000 जनसंख्या है, इसको ये मैसेज जाएगा कि हम प्रत्येक घंटा साबुन से अच्छे से हाथ धोएं। अच्छे से हाथ धोने का मतलब है 30 से 35 सेकेंड मिनिमम हाथ धोना चाहिए, 40 सेकेंड तक धोना चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा कि जो आपका नल है, टैप है, उसको भी डिकंटामिनेट करें, उसको भी साफ़ करते रहें, जिससे कि हम डिकंटामिनेशन और संक्रमण से बच सकें। धन्यवाद।